नमस्ते, सुप्रभात। अभी सुबह 7 बज रहे हैं, नींद से जस्ट उठी हूँ, नहाई हूँ और घर का काम अभी शुरू नहीं किया। एक एक करके अभी शुरू करूँगी। सबसे पहले तो मेरा काम यही होता है, नींद से उठने के बाद नहाना, उसके बाद गुनगुना सा गर्म पानी लेके बैठ जाना आराम से धीरे धीरे पीने का। घर तो मेरा पूरा अभी बिखरा हुआ है, इतना कपड़ा रात को धो दिया है। सूख गया है, ठंडी के टाइम अभी कपड़ा सूख जाता है, गर्मी के टाइम भी सूख जाता है, बारिश के टाइम थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ, आप लोग साथ रहे पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे। पंछी का आवाज मैं सुबह 5 बजे सुन रही हूँ, इधर पंछी लोग बहुत इधर शोर कर रहे हैं। देखो रोटी भी आता है, इधर रोटी खाया नहीं है, रोटी अभी नीचे साफ सफाई चल रहा है। सुबह सुबह पंछी लोग क्या कर रहा था, विंडो में मारपीट कर रहा था या नया उन लोग उनका घर बना रहा था। बहुत किटिर पिटिर आवाज हो रहा था, चिल्लाम चिल्ली शोर शराबी नहीं कर रहा था लेकिन बहुत किटिर पिटिर आवाज कर रहा था। अभी तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। घर अभी साफ सफाई बाकी है, हल्का हल्का भीगा है कपड़ा इसलिए उठाया नहीं, पूरा सूखा नहीं ये कपड़ा, तो 1-2 घंटे के बाद पूरा सूख जाएगा। जैसे एक के ऊपर एक ऐसा करके सुखाने के लिए डालती हूँ कपड़ा, तो थोड़ा हल्का सा भीगा रहता है और ये 1-2 घंटे में पूरा कम्प्लीट सूख जाएगा। खाना बनाने के लिए अब किचन जा रही हूँ। क्या खाना बनाऊँ आज, पूरा सामान ले लिया है, इतना सा बचा हुआ है पालक, पालक लेके आती हूँ, पालक का जूस पीने थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हूँ। गोभी है, लूफा है, टमाटर तो मेरे घर में रहता ही है,
आलू प्याज लहसुन अदरक टमाटो ये सामान हर वक्त रहता है, और सब्जी है जो मैं कभी कुछ, और मिर्चा भी ले लिया है। तो अब मैं खाना बनाने के लिए देखती हूँ क्या खाना बनाऊं। पालक तो लेना है मुझे, बचा हुआ है पालक। कल रात को कुछ सामान ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो 1 बजे से लेके 3 बजे के अंदर आ जाएगा। शनिवार और रविवार बाहर जाने के लिए मन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, मॉल में मार्केट में बहुत भीड़ होता है। आज मैंने नाश्ता किया ही नहीं, 2 ब्रेड खाया था। आज खाना जल्दी बिठा रही हूँ, और इतना सा बचा है मूंग दाल, दाल ऑर्डर किया है दोपहर आ जाएगा, लेकिन अभी तो हो जाएगा इतना में। गोभी आलू के लिए भी पानी, गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी, इसके लिए पानी गर्म कर लेती गोभी को। मैं मूंग का दाल ही ज्यादा बनाती हूँ मेरे लिए। दाल के लिए गर्म पानी बिठा रही हूँ, बॉयल पानी। ये सब काट के रेडी कर लेती हूँ। दोपहर अभी 12 बज रहा है और नीचे बच्चे लोग खेल रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, तो इसलिए मैं विंडो में जाती हूँ, थोड़ा देखती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे तो बच्चे लोग आता नहीं खेलने के लिए, स्कूल जाता है ये लोग। बच्चे लोग खेल रहे हैं इधर, बहुत शोर करता है। हाँ, सब सब्जी तो धो लिया है, काट लिया है, रेडी कर लिया है, और दाल भी मेरा बॉयल हो चुका है, पक चुका है। पालक दाल बनाऊंगी, इसलिए पालक का भी धो लेती हूँ। पालक को पहले धो के नहीं रखा था, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो अभी धो के अभी इसको तोड़ के दाल में डालूंगी। पालक कभी भी मैं आखा वाला ही डालती हूँ दाल में, लेकिन आज तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि आज पालक थोड़ा सा कम है, इसलिए तोड़ के डाल दिया इसने। पालक दाल बहुत अच्छा लगता है, पालक का कोई भी सब्जी हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, दाल पालक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो अभी दाल में मैं तड़का लगाने वाली हूँ। तड़का में आज मैं एक तेज़पत्ता लिया है, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी ज़ीरा, बस। दाल तड़का लगाने के टाइम बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको दे रही हूँ। और अभी मैं मेरे घर का एग्जॉस्ट फैन भी चालू कर दिया, क्योंकि दाल बहुत उड़ता है, पूरा घर में घूमता है इसका ऑयल जो है। एग्जॉस्ट फैन चालू करती तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है, इसलिए कभी कभी चालू करती हूँ।
खाना बनाने के टाइम पूरा टाइम एग्जॉस्ट फैन चालू करूँगी, तो घर में इतना तेल मसाला ऑयली ये सब नहीं होता है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन का साउंड बहुत ज़्यादा खाना मांगने आया, कभी खाना चाहिए, भूख लगा है। बिग बास्केट हाँ रख दीजिए। थैंक यू। अभी देर बज रहा है, 1 बजे से 3 बजे के अंदर आने वाला था मेरा सामान, अभी देर बज रहा है, मेरा पूरा सामान आ गया। सब्जी मेरा बन गया है, चावल बिठा दिया है, और चावल बन जाएगा तो पूरा तैयार मेरा खाना। अब मैं सामान को ठीक जगह पे रख देती हूँ। तो किचन तो मेरा अभी एकदम पूरा जंगली हो गया, हालत ख़राब है, इसको अभी साफ करने में टाइम लगेगा। ये सब साफ करना है और खाना अच्छे रखूँगी, किचन साफ करूँगी फिर इधर लेके आऊँगी। तो किचन का काम कर लेती हूँ तो मेरा सबसे बड़ा काम ख़त्म हो जाएगा। खाना रेडी, किचन साफ हो गया और जो भी सामान आया सब ठीक ठाक करके रख दिया। अब मैं खाना लेके बैठ जाऊंगी, भूख तो लगी है और 2 बज रहा है अभी, तो खाना ले लेती हूँ। खाना ले लिया है और खाना लेके बैठ जाती हूँ, भूख लगी है बहुत।